तो दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानव हृदय की शारीरिक संरचना से जुड़ा हुआ है? तो आंसर होगा दोस्तों महाधवनी, ऑप्शन नंबर चार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी एक वास्तविक मछली है? तो आंसर होगा दोस्तों डॉग फिश, ऑप्शन नंबर तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव श्वसन वर्णक क्या है? तो आंसर होगा दोस्तों हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र अप्रैल 2022 में चालू हुआ? तो आंसर होगा दोस्तों असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बप्पी लहरी का मूल नाम क्या था? तो आंसर होगा दोस्तों आलोकेश लहरी, तो आंसर होगा दोस्तों आलोकेश लहरी, ऑप्शन नंबर तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा वादलों में इसके शेडिंग द्वारा किया जाता है? तो आंसर होगा दोस्तों सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट, कार्बन माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर होगा थॉमस अल्वा एडिशन, ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शैवाल का एक उदाहरण है? तो आंसर होगा दोस्तों ना डायटम, ऑप्शन नंबर तीन। नेक्स्ट, टंगस्टन इनर्ट्स गैस वेल्डिंग में गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा दोस्तों आर्गन और हेलियन, ऑप्शन नंबर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का आधिकारिक राज्य पक्षी है? तो आंसर होगा घरेलू गोरैया, ऑप्शन नंबर चार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? यानी रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर की तैयारी में इस्तेमाल किए जाने वाले गैस का नाम बताइए? तो आंसर होगा क्लोरीन, ऑप्शन नंबर चार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है? तो आंसर होगा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ऑप्शन नंबर दो। नेक्स्ट, एक्स किरणें डैश होती है? तो आंसर होगा विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ने दलित समुदाय के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी? तो आंसर होगा भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सेट द बॉय फ्री के लेखक हैं? तो आंसर होगा जॉनी मॉर, ऑप्शन नंबर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो आंसर होगा तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वायु को हरा कहा जाता है और हरे को लाल कहा जाता है और लाल को समुद्र कहा जाता है और समुद्र को नीला कहा जाता है और नीले को जल कहा जाता है और जल को गुलाबी कहा जाता है, तो घास का रंग कैसा होता है दोस्तों? तो दोस्तों ये रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है और इतना नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ने से क्या होगा ना, टाइम वेस्ट होगा। तो पढ़ना क्या दोस्तों, इसमें पूछा क्या गया है उस पर ध्यान देना है। इसमें पूछा गया है ना घास का रंग कैसा होता है, तो घास का रंग हरा होता है और हरा को क्या कहते हैं ना, हरा को लाल कहते हैं, क्या कहते हैं लाल, इसलिए ऑप्शन होगा दोस्तों लाल, ऑप्शन नंबर चार, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वायु जल और अम्ल द्वारा क्या संचारित नहीं होती है? तो सोना संचारित नहीं होता दोस्तों, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इक्ष्वाकुश जिन्हें श्री पर्वतीय के नाम से भी जाना जाता है ने भारत के किस क्षेत्र में सत्ता हासिल किया? तो आंध्र कर्नाटक क्षेत्र में होगा दोस्तों सत्ता हासिल किया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23।
3000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का की प्रकाश तरंग की आवृत्ति होगी। तो आंसर होगा दोस्तों 1 × 10^15 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर एक। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के वर्चस्व के दौरान भारत आए थे और वह इंडिका के लेखक थे। तो आंसर होगा दोस्तों मेगास्थनीज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, कतर की राजधानी क्या है? तो कतर जो होता है, कतर की राजधानी दोहा है दोस्तों। ठीक है, और दोहा जो है हमेशा कतर में ही लिखा जाता है, इसलिए याद रखना है कतर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चार। नेक्स्ट, PMJY किसका लघुतम रूप है? तो आंसर होगा दोस्तों प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ऑप्शन नंबर एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसके गतिमान कण होते हैं? तो आंसर होगा दोस्तों ना गति ऊर्जा के गतिमान कण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन दुनिया का पहला एंटीबायोटिक दवा में से एक किसके द्वारा खोजी गई थी? तो आंसर होगा दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर दो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूरी तरह से समशीतोष्ण अल्पाइन क्षेत्र से स्थित है? तो आंसर होगा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर दो। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था? तो आंसर होगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना केवल अनुप्रस्थ तरंगों में देखी जा सकती है? तो आंसर होगा दोस्तों ध्रुवीकरण, ऑप्शन नंबर चार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी किसकी कमी के कारण होती है? तो आंसर होगा दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, और विटामिन डी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। और विटामिन बी से क्या होता है दोस्तों? ना बेरी होता है। और विटामिन सी से अस्कर्वी होता है। ठीक है, ये तीनों जितना भी चारों ऑप्शन में सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो विटामिन का रासायनिक नाम भी पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो उसको भी याद कर लें। नेक्स्ट, आवर्ती का ऐसा मात्रक क्या है? तो आवर्ती का ऐसा मात्रक हर्ट्ज है, ऑप्शन नंबर होगा दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिकांग में मौजूद होता है? तो आंसर होगा दोस्तों एस्ट्रोसोम, ऑप्शन नंबर तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाधमनी डैश के शीर्ष पर शुरू होती है? तो आंसर होगा बाया निलय, ऑप्शन नंबर दो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वायु जल अम्ल द्वारा क्या संचारित नहीं होता है? तो आंसर होगा सोना, सोना संचारित नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक नहीं है? तो आंसर होगा दोस्तों नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है आवश्यक घटक नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए और सूर्य की रोशनी चाहिए। ठीक है, तभी प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। और प्रकाश संश्लेषण जो होता है दोस्तों ना पौधों में होता है, जो हरी पत्तियों में होता है। ठीक है, और हरा पत्ता जो है हरा होता है क्लोरोफिल का कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट डैश को होती है? तो 3 जनवरी को सबसे नज़दीक होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व वाले दो राज्य यूपी के अलावा कौन सा है? तो आंसर होगा दोस्तों महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट, भारत में कौन सी नदी सबसे चौड़ी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है सबसे चौड़ी है। और भारत का सबसे लंबी नदी है ना गंगा नदी, जो 2525 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावित होता है? तो नाइट्रोजन जो है प्रभावित होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, मृदा की अम्लीय प्रकृति डैश की उच्चतम सांद्रता द्वारा दर्शाया जाता है? तो आंसर होगा दोस्तों हाइड्रोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर दो। नेक्स्ट, एक तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं, तो तत्व में परमाणु भार कितना होगा दोस्तों? तो आंसर होगा
ना 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 12 न्यूट्रॉन ऑफ प्लस इसकल टू क्या हो जाएगा ना 22, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन चाक और पानों के मिश्रण को अलग करने की प्रक्रिया में सहायक नहीं होता है, नहीं होगा, तो आंसर होगा दोस्तों ऊर्ध्वपातक, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो दोस्तों आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है, फिर नया वीडियो लेके आएंगे, और आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।